नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज़ के साथ। मैं हूँ रूहानी। मेरे आगे पीछे मैं आपको विजुअल दिखा दूँ। अभी मैं बिल्कुल तवी बीच के बीचों बीच खड़ी हूँ। गाड़ियाँ यहाँ से चल रही हैं, शाम का समय है, ठंडी हवा चल रही है और सूरज तो है वो डूबने वाला है। आप सोचेंगे आज रूहानी सड़क के बीचों बीच क्यों खड़ी है। तो एक बड़ा सवाल ये है कि इसका जवाब मैं आपको दे दूँ। हमारे देश में इस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जो काफ़ी निंदनीय है। आतंकी घटनाएं हो रही हैं, सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा है और एक नागरिक जम्मू कश्मीर का आज एक प्ले कार्ड लेकर आपके सामने आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए ये कहा जा रहा है कि ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आप ये जो भी हो रहा है, जितनी भी शहादत हो रही है देश में जवानों की, उसको रोकने का काम कीजिए। दूसरी बार आप प्रधानमंत्री बने हैं, हमारी आंखों में आंसू है क्योंकि पुलवामा टेरर अटैक अभी हमें भूला नहीं है और एक बार फिर से पुलवामा दोहराने की कोशिश जो की गई है वो जो है वो कायराना हरकत है। ये आप मेरे पीछे एक शख्स को देख सकते हैं, देखिए क्या लिखा गया है, स्टॉप किलिंग जवान्स। एक नागरिक है जम्मू कश्मीर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं प्रधानमंत्री आपको हमने प्रधानमंत्री इसलिए बनाया ताकि आप जो है देश की सुरक्षा के लिए काम करें। आप जो है इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने की तो बात करते हैं लेकिन उस पाकिस्तान को भी संभालिए जो पीठ पर छुरा भोंकता है, उस पाकिस्तान को भी संभालिए जो समय समय पर निशाना हमारे बहादुर जवानों को बनाता है। इनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप राठौर है। क्या करते हैं संदीप? मैं एज ए इंजीनियर हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ, काफ़ी सारी सोशल एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ। संदीप क्या मायने क्या हैं? इसके मायने सीधे सीधे हैं कि जो हमारे आर्मी जवान्स हैं उनकी किलिंग हो रही हैं उसको रोका जाए जल्द से जल्द इमीडिएटली, क्योंकि आए दिन जो जवानों की किलिंग्स हो रही हैं, कभी आईडी ब्लास्ट के द्वारा, कभी फायरिंग के द्वारा, कभी उनको घर से उठा के ले जाया जाता है, कभी पुलिस का जवान हो या आर्मी का जवान हो उनके साथ हमेशा ऐसा ही क्यों बर्ताव होता है, जो सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ डटे रहते हैं, जिनकी वजह से हमारी जो सुरक्षा है वो कड़ी हो जाती है, पर उनकी सुरक्षा की बारी आती तो उनके साथ कोई नहीं है। मेरा प्रधानमंत्री और जो हमारा प्रशासन है और गवर्नर साहब हैं उनसे खास सर मेरे यही निवेदन है कि धारा 370 35 ए और डिलिमिटेशन की बातें आपने बहुत कर ली, जुमले के अलावा और कुछ नहीं। आप कहना चाहती हैं सियासी बातें हैं, सियासत में अच्छी लगती हैं लेकिन जान बचाइए उन जवानों। बिल्कुल बिल्कुल, जहां हम बात कर रहे हैं अभी हमारा कुछ दौर गया जहां आजकल पानी की शबील बहुत सारी लगती हैं तो लोगों की जानें बचाई जाती हैं, पानी पिला के उन्हें ये बतलाया जाता है कि हमारे अंदर अभी भी मानवता है, पर जब हम आर्मी के जवान को कश्मीर में भेजते हैं या पुलिस के जवान को कश्मीर में भेजते हैं तो उनकी जो मानवता कहाँ चली जाती है, उस समय उनकी जान की हिफाजत कौन करेगा? एक सवाल करूंगी संदीप, ये बहुत अच्छी आपने बात बोली, कॉन्वॉय जाता है ना जब हमारे सुरक्षा बलों का पत्थरबाजी होती है, उस समय हर हिंदुस्तानी को गुस्सा आता है कि देश की सुरक्षा करने के लिए वहाँ पर गए लेकिन इस तरह से क्या कहना चाहें? इसके ऊपर देखिए ना, एक्शन लेना चाहिए सरकार को, तो कड़े एक्शन लेने चाहिए। पत्थर मारना कितना बड़ा गैर कानूनी अपराध है, यदि वो पत्थर कभी प्रधानमंत्री की गाड़ी पे बजे या वो कॉन्वॉय पे बजे या चीफ मिनिस्टर की गाड़ी पे बजे तो वो किसी को वो रास नहीं आएगा, पर वो पत्थर आर्मी के जवान को मारा जा रहा है इसलिए सभी चुप हैं। और प्रधानमंत्री जी अब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो लोगों ने उन्हें चुनकर वोट दिया है, जम्मू वाले और जो देश के हमारे जितने भी लोग हैं उन्होंने उनको मैक्सिमम इसी बात के लिए वोट दिए हैं कि हमारे जवान की जो जिंदगी है उसकी सुरक्षा आपके हाथ में है। अगर आपकी गाड़ियों की सुरक्षा वो सिक्योरिटी वाले करते हैं तो उनकी ज़िंदगी की सुरक्षा आपको ही करनी पड़ेगी। एक सवाल करूंगी, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो पड़ोसी होने का दावा तो करते हैं लेकिन पीठ पर छुरा भोंकता है, समय समय पर जो भी आतंकी घटना होती है उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। पुलवामा दोहराने की कोशिश एक बार फिर से की गई, जिस तरह से आईडी ब्लास्ट हुआ वहाँ पर जो जवानों को वहाँ पर निशाना बनाने की कोशिश की, आपको लगता है कि आतंकी बौखलाहट में है कि एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को घेर रहे हैं तमाम उन सम्मेलनों में या फिर हम कहीं यहाँ पर भी ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है? देखिए मुझे प्रधानमंत्री गिरते हुए दिखें, लोगों के साथ घिरते हुए दिखें या कैसी भी स्थिति हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, पर मेरे जो सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा उनको कड़ी करनी ही होगी और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेनी ही होती। ऐसे कैसे उनके घर में से उठाकर एक सिक्योरिटी के जवान को ले जाया जाता है और उसका गला काट दिया जाता है, बेरहमी से मारा जाता है, सिक्योरिटी का जो अफसर है वो अपने घर जा रहा होता है निहत्था और कुछ लोग उसे ले जाते हैं, गला काट देते हैं, कभी बम ब्लास्ट के साथ, कभी फायरिंग के साथ,
अगर पाकिस्तान को, अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव पड़ा है, तो वो दबाव कहीं दिख नहीं रहा, इंटरनेशनल वे में दिख रहा होगा कहीं ना कहीं आपको, पर अंदरूनी मामलों में अभी भी हम बहुत कमज़ोर हैं, हमारी जो सुरक्षा है वो देखी नहीं जा रही, और अभी तो अमरनाथ की यात्रा भी आने वाली है, तो अगर सिक्योरिटी के जो मेजर हैं उनकी, और फिदायिन अटैक हुआ था पहलगाम का, वो रूट था जहां पर अमरनाथ यात्री गुजरने वाले थे, सुरक्षा बलों को वहां पर भी निशाना बनाया गया, तो क्या अमरनाथ यात्रा भी इस तरह से सुरक्षा के घेरे? देखिए, किसी यात्रा को या किसी राज्य को इतनी कड़ी सुरक्षा देने की जो बात है वो कभी नहीं होनी चाहिए। या तो उसे युद्ध का स्थल घोषित कर दीजिए कि वो एक युद्ध स्थल है, वहाँ पर इस तरह के एक्शंस हो रहे हैं, या तो आप उसे सीधे तौर पे एक राज्य बनाएं और राज्य की सुरक्षा जो है वो प्रदान करें, तभी इस देश का कुछ हल हो सकता है। नहीं तो युवा मेरी तरह ही बाहर आएंगे और कड़ा विरोध करेंगे, उस समय उसे संभालने वाला कोई नहीं होगा। सवाल है संदीप, शहादत होती है हमारे जवानों की, वो चोट जो है सीधे दिल पर लगती है, पुलवामा टेरर अटैक से कितना आहत हुआ हिंदुस्तान जो एक और पुलवामा दोहराने की? देखिए, जब किसी प्रधानमंत्री का कोई आपसी, कोई अपना बंदा मरेगा, कोई चीफ मिनिस्टर का मरेगा या किसी बड़े आदमी का मरेगा, तब कोई बात हो सकती है, पर मेरे जैसों के कोई रिश्तेदार भी मरते हैं, तो कोई अपने भी मरते हैं, तो शायद किसी को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और सिक्योरिटी के जवान जिस तरह से बेचारे शहीद हो रहे हैं, बेचारा वर्ष कहना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो शहीद हो रहे हैं, पर शहादत अगर जंग के मैदान में हो तो उस शहादत को नमन है, पर वो शहादत अगर एक राज्य में हो रही है और कुछ लोगों के द्वारा हो रही है, तो मेरा ये कहना है कि वहाँ पे हमारा प्रशासन बिल्कुल फेल है। प्रधानमंत्री जी किसी भी तरह से ऐसा कोई संदेश नहीं दे रहे कि राज्य के सिक्योरिटी के बंदों की जो सुरक्षा है वो कड़ी हो सके और अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी कड़ी हो सके। चलिए, ये संदीप है, मैं एक बार फिर से ये प्ले कार्ड दिखा दूँ। संदीप एक सवाल जो है वो लेकर आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछ रहे हैं, और ये बार बार ये पूछ रहे हैं कि आप कब तक हमारे जवानों की इस तरह से शहादत होने देंगे, और कब तक जो है हमारे जवानों को शहादत देनी पड़ेगी। ये बिल्कुल सामने आपको मैं विजुअल दिखा दूँ, शाम का समय है और एक शख्स, जम्मू कश्मीर का नागरिक, कहा जाता है कि रियासत जम्मू कश्मीर में अमन और शांति और भाईचारा है, लेकिन एक ऐसा शख्स जो इस पुल के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है एक प्ले कार्ड लेकर, और गुहार लगाए जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। हालांकि एक सम्मेलन हुआ और वहां पर भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सामने आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए, तो साफ तौर पर वहां पर भी पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर कहा कि जो भी देश आतंकवाद का समर्थन करता है, जहां से आतंकवाद पनपता है, उस पर जो है नकेल लगानी चाहिए, उसको जो है समर्थन नहीं देना चाहिए, उस राष्ट्र को अलग थलग करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व में जितने भी देश हैं उनके साथ इस तरह से रिश्ते बना रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को ये समझ आए कि अब वो वक्त दूर नहीं है जब उसको आतंकी फैक्ट्री को बंद करना पड़ेगा, अब वो वक्त दूर नहीं है जब पूरा देश जो है, हिंदुस्तान जो है, वो आहत है पुलवामा टेरर अटैक के बाद, उसके बाद एक और पुलवामा दक्षिण कश्मीर में, उसको दोहराने की कोशिश है, और नज़रें सबकी प्रधानमंत्री पर है, क्योंकि जब पुलवामा टेरर अटैक हुआ था तब सब ने रोषित होकर, गुस्से में आकर बार बार ये सवाल किए थे कि उड़ी का बदला तो लिया गया था, तो अब जो है पुलवामा का बदला कैसे लिया जाएगा। वहीं वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई और वहाँ पर देखा गया कि एयर स्ट्राइक जो है वो बालाकोट में की गई, और जवाब जो था वो सीधे तौर पर उन आतंकियों को दिया जिन्होंने काराना हरकत की हमारे जाबाज जवानों की, जिसमें शहादत हुई। लेकिन एक बार फिर से पुलवामा दोहराने की कोशिश, और इस बार सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, क्योंकि पहले जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की पाकिस्तान पर, या फिर हम तो उन तमाम आतंकियों पर, टॉप कमांडर्स पर जो भर्ती करते थे युवाओं को आतंकवाद के रास्ते पर लेकर जाते थे, तब एक बार फिर से सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, एक युवा पूछ रहा है जम्मू का कि प्रधानमंत्री टेन्योर जो है आपका शुरू हो चुका है, दूसरी बार आप प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन शहादत कब रुकेगी और कब जो है वो खून बहना बंद होगा हमारे वीर जवानों का? जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।